नमस्कार दोस्तों, मैं लता केशवानी इलाहाबादी जायका में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम इलाहाबादी जायका के माध्यम से नए नए वीडियो दिखा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आलू के पापड़ बनाना सिखाए, आज हम आपको सिखाएंगे खोए की गुजिया। खोए की गुजिया को मावा की गुजिया भी कह सकते हैं। होली का पर्व चल रहा है और होली के दिनों में लोग खोए की गुजिया को बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि खोए की गुजिया के लिए क्या क्या आपको सामान एकत्र करना है। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या सामान इकट्ठा किया है। ये मैदा, ये खोया जिसको हमने भूंज के 2-3 घंटे पहले ही रख लिया है, ये पिसी हुई चीनी, आप इसको भूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इलायची के पिसे हुए दाने, ये रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी सूजी और कटे हुए मेवे, और एक गुजिया बनाने के लिए सांचा। देखिए दोस्तों, हम मैदे को सबसे पहले लगा लेते हैं। हमने थोड़ा सा मैदा ये सूखा निकाल दिया है जो आपको लोई बनाने टाइम यूज होगा। हम मैदे को बड़े कटोरे में निकाल लेते हैं और उसमें 2-3 चम्मच मोयम डालते हैं। घी डालना है जिसको हम मोयम शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। इसको इस तरह से बराबर हम मैश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मोयम पूरी तरह मिल चुका है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको गूंथ लेंगे पूरी तरह, थोड़ा मुलायम ही बनाएंगे जिससे हमें इसकी लोई बनाने में परेशानी ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह आटा मैदा हमने लगा लिया है। इसको हमें एक गीले कपड़े से ढक देना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। जब तक ये गीला कपड़ा रहेगा ये सूखेगा नहीं। आइए तब तक हम इसका गुजिया में भरने के लिए जो मावा हमको रखना है वो तैयार कर लेते हैं। ये मावा जो हमने भूंज के रखा था, इसमें हमें ये भुनी हुई सूजी, छोटी इलायची जो हमने पीस के रखी थी उसके दाने, ड्राई फ्रूट्स, ये पीसी हुई चीनी, इसको हमको सबको पूरी तरह से मैश करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा मिश्रण तैयार कर लिया है जो हमें गुजिया में भरना है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसे हमें कैसे भरना है। ये हमने मैदा जो कपड़े से ढक के रखा था उसको ढकना ही है, थोड़ा सा लेना है और उसकी कुछ लोई हमें यहाँ बनानी है। उससे पहले हमें इस प्लेट में थोड़ा सा मैदा ऐसे लगा के रख लेना है जिससे जब हम गुजिया बनाएंगे तो इसमें चिपके ना। ये देखिए दोस्तों, हमें इस तरह छोटी छोटी लोई बनानी है, लगभग इस सांचे में जो आ जाए इस टाइप के आपको छोटी छोटी लोई बनानी है। ऐसे हम 5-6 लोई तैयार कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, हमें इसे इस तरह इस प्रकार से बेलना है। जो इसके किनारे होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, उन्हें थोड़ा सा इस तरह करना है। ध्यान रखिए कि इसमें सिलवट ना आए, सिलवट आएगी तो ये फट जाएगा। इसे सिर्फ इस तरह हल्के से ऐसे खींचे, ये देखिए आराम आराम से ये अपने आप गोल होता जाएगा। देखिए बनके तैयार हो गया है। आइए अब हम आपको इसमें भरना सिखाते हैं। हमने कुछ यहाँ और पहले बेल के रखी थी। हमें सबसे पहले सांचे को ऐसे लेना है, इसमें हमें एक साइड ऐसे गुजिया रखनी है। ये देखिए पूरा कोने का बराबर से ध्यान रखना है आपको। हमें कटोरी में पानी लेना है, इसके किनारे पे हल्का सा लगा देना है। इसमें हम पूरन थोड़ा सा ही भरेंगे क्योंकि ज़्यादा फट भरने पर ये फट सकती हैं और कढ़ाई में इनका खोआ बाहर आ सकता है। ये देखिए सावधानी पूर्वक, फिर हमें इसकी इस परत को इस तरह उठाना है धीरे से और ध्यान देते हुए कि पूरा ये आपका इस पे बैठ जाए।
देखिए एकदम बराबर से। अब हमें इसको बंद कर देना है इस तरह से, और इसके जो एक्स्ट्रा ये मैदा आ गया है उनको इसको अलग निकाल लेना है। एक बार दोबारा टाइट से इसको लॉक, ये देखिए इसको हम खोलेंगे धीरे से और हल्के से निकालेंगे। ये देखिए आपकी भुजिया बिल्कुल रेडी है, चारों तरफ से इनका मुंह बंद है इस तरह। देखिए इसको, ये देखिए आपकी भुजिया रेडी हो गई है दोनों तरफ से। देखिए ये देखिए हम यहाँ जो हमने मैदा लगाई थी थाली उसको ऐसे रखते हैं और फिर दूसरी तैयार करते हैं। दूसरी ये देखिए हमने लगभग यहाँ पर चार पांच भुजिया बना ली हैं। आइए हम इन आपको फ्राई करके दिखा देते हैं और बाद में हम सारी भुजिया इकट्ठी बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों हम यहाँ थोड़ा सा ऑयल को चेक करते हैं कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए बराबर गर्म हो गया है। अब हम इसमें भुजिया डालेंगे। हल्के हाथों से हमें भुजिया डालनी है। ये देखिए हमें धीरे से इसको पलटना है, ज्यादा खराब नहीं करेंगे इसको। दोनों तरफ से हमारी ये लाल हो रही है भुजिया। लगभग हमारी भुजिया तैयार हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऑयल हमें निकालना है। ये देखिए हमें पूरा ऑयल निकाल देना है। एक प्लेट में हम टिश्यू पेपर रखेंगे, उसमें इनको निकाल लेंगे, जिससे इनका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारी गर्मा गर्म भुजिया तैयार है। दोस्तों इलाहाबाद में मावे की भुजिया बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन इसके साथ आपको एक विशेष ध्यान रखना है, इन मावे की भुजियों को गर्म गर्म बिल्कुल मत खाइए। खास तौर पे बच्चों के हाथों से दूर रखिए, क्योंकि अगर इस भुजिया को गर्म गर्म खा लिया जाता है तो जो इसके अंदर भरा हुआ हमने मावा रखा डाला है वो मावा पिघल जाता है और बच्चों को अक्सर लूज मोशन हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आप लालच में आइए और ज़्यादा गर्म गर्म खा जाइए। तो दोस्तों होली पे हम आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं इस इलाहाबादी जायका के माध्यम से, और चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखिए, अच्छे अच्छे डिश बनाइए और खाइए। और ये भुजिया मुझे भी लालच आ रहा है और आपको भी लालच आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ वेट कीजिए, कम से कम 20-25 मिनट बाद ही आप इसको खाइए। अगर आप इसको 20-25 मिनट बाद खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज लगेगी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इन्हें से चेक कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों लगभग इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था ये नैपकिन में आ गया है, टिश्यू पेपर में हमारे। अब हम इसको सजाते हैं। देखिए दोस्तों आपकी गर्मा गर्म भुजिया आपके लिए बिल्कुल तैयार है, और हम कहते हैं आप जब अपने हाथों से इस भुजिया को बनाएं तो जो आपके यहाँ आने वाले मेहमान हों वो आपकी तारीफ जरूर करें। क्योंकि इलाहाबाद के अंदर एक कहावत है कि होली पे जब कोई मेहमान आया और उसको भुजिया नहीं मिली तो समझ लीजिए उसने गंगा नहीं नहाई। तो भाई मैं तो रेडी हूँ अपने भुजिया के साथ अपने होली के त्यौहार को मनाने के लिए, तो क्या आप लोग भी तैयार हैं?
और दोस्तों यदि हमारी गुजिया आप लोगों को पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ दोस्तों, मैंने देखा है कि जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन की एक बेल बनी होती है, तो कृपया करके आप उसको जरूर टच कीजिए, क्योंकि यदि आप उसको टच नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हम जो भी नई डिश डालते हैं, जब तक आप उस बेल को टच नहीं करेंगे, आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। तो कृपया करके उस बेल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टच जरूर कीजिए। तो दोस्तों, होली की बहुत बहुत मुबारक हमारे चैनल के माध्यम से। हम चाहते हैं ये गुजिया आप खाएं, आपके परिवार खाएं, आपको बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों, हैप्पी होली हमारी तरफ से इलाहाबादी जायका के माध्यम से।